मिक्स ग्रुपिंग पे क्वेश्चन कैसा आता है, 36 सेल्स, ईच ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन, तो ईएमएफ गिवन एंड करंट थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी गिवन, फाइंड द बेस्ट मोड ऑफ ग्रुपिंग एंड करंट थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट। देखो जब ये मेंशन नहीं कर रहा ना, ज्यादातर क्वेश्चन इसके मिक्स ग्रुपिंग के ही होते हैं, मेंशन नहीं कर रहा तो इसके अंदर मिक्स ग्रुपिंग की प्रॉब्लम है। मिक्स ग्रुपिंग के अंदर टोटल नंबर ऑफ सेल 36 है, एम इंटू एन क्या हो जाएगा 36। अब आपको मैक्सिमम करंट चाहिए मिक्स ग्रुपिंग में, तो क्या फॉर्मूला करवाया था, एक्सटर्नल इज इक्वल टू टोटल इंटरनल, तो ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। आपको स्मॉल आर पता है, आपको कैपिटल आर पता है, पुट करके क्या आ गया, एन और एम की रेशियो, एम और एन का ये एक इक्वेशन, एम और एन की ये एक इक्वेशन, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके एम और एन कैन बी कैलकुलेटेड। इसका मतलब क्या है कि 12 सेल सीरीज में और 3 क्या बनेंगी, रोज बनेंगी पैरेलल में। क्लियर है यहां तक कि कैसे सोचना है इसमें? फिर वगैरह इसमें करंट बता दो क्या होगा। देखो करंट निकालने का फॉर्मूला तो डायरेक्टली मैंने बता ही दिया आपको अभी थ्योरी के अंदर, एन आर ये, नहीं तो अगर नहीं याद आ रहा तो खुद बना लो। आज हमने डेरिवेशन में किया ना, करंट मिक्स ग्रुपिंग में क्या होता है, टोटल ईएमएफ एनी डिवाइडेड बाय सम ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या था, एम आर बाय कुछ एन, भूल गया मैं कितना था, एन आर बाय एम, ये कितना था एन आर, क्योंकि एन आर एन आर एन आर सीरीज में थे ना ऐसे, तो ये बनाया था, इसे पुट कर दो आंसर आ जाएगा। राइट, क्लियर है यहां तक? तो आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वैसे आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 सेल्स हैं, ईच ऑफ ईएमएफ 1.5 एंड रेजिस्टेंस इंटरनल गिवन, एम रोज है, एन सेल्स है, मिक्स ग्रुपिंग है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एन और एम ताकि मैक्सिमम करंट एक्सटर्नल में इतना हो। जब करंट मिक्स ग्रुपिंग में मैक्सिमम है तो ये इक्वेशन है। आपको इस क्वेश्चन में कैपिटल आर पता है, स्मॉल आर पता है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स 12 है, तो एन इंटू एम 12 है, तो एम इज 12 बाय एन, यहां पुट कर देंगे 12 बाय एन सॉल्व करके, एन और एम कैन बी कैलकुलेटेड। सेम ही तो है हर में, सेम मिक्स ग्रुपिंग में तरीका ये एक है, ये वाला इक्वेशन ही दो बनेगी, पहली ये बनेगी दूसरी ये बनेगी, एम और एन निकालना होगा। तो आइडिया क्लियर है यहां तक? ठीक, नेक्स्ट है, ये नॉर्मल क्वेश्चन हमने किया हुआ है सेल्स इन पैरेलल का, ये देख लेते हैं। वो कह रहा है कि दो सेल्स हैं 1.5 ईच, इंटरनल रेजिस्टेंस एक की ज्यादा एक की कम है, एक्सटर्नल गिवन है, कैलकुलेट करंट। देखो करंट तो आसान है, दोनों सीरीज में है तो टोटल ईएमएफ 1.5 प्लस 1.5 3 हो गई, और टोटल रेजिस्टेंस में दिस प्लस दिस प्लस दिस करंट आ गया। फिर वो कह रहा है कि इसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, तो इक्वेशन लगा के E2 पता है, E1 पता है, I हमने निकाल लिया, R1 R2 पता है, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग आएगा दोनों का, क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों की डिफरेंट है। ठीक, पर इसका मिक्स ग्रुपिंग से लेना देना नहीं है कोई, ये पुराना सेल्स वाला क्वेश्चन है। ठीक, ये लो मिक्स ग्रुपिंग, फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ सेल्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 1.5 थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ गिवन, ईएमएफ ऑफ ईच सेल गिवन एंड इंटरनल रेजिस्टेंस गिवन। तो आपको इसमें क्या निकालना है, आपको नंबर ऑफ सेल्स बताने हैं। मिक्स ग्रुपिंग के अंदर ये फॉर्मूला पता है, आपको इस क्वेश्चन में एन और एम नहीं पता, इंटरनल पता है एक्सटर्नल पता है, एक इक्वेशन। फिर उसने कहा मैक्सिमम करंट, आज मैंने फॉर्मूला बुकलेट में मैक्सिमम करंट क्या करवाया, एन ई बाय टू आर, तो आपको मैक्सिमम करंट पता है, आपको इसमें n नहीं पता, e पता है और कैपिटल R पता है, सॉल्व करके क्या आ गया, n n आ गया, तो ऊपर से क्या जाएगा m, तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स n into m, मतलब बेसिकली कुछ नहीं है, एक ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला और एक n into m का फॉर्मूला, मिक्स ग्रुपिंग में स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है। ठीक है यहां तक? टू आइडेंटिकल सेल्स व्हेन जॉइंड इन सीरीज और इन पैरेलल गिव सेम अमाउंट ऑफ करंट, तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस गिवन है, इंटरनल रेजिस्टेंस निकालो। तो दो सेल्स जब सीरीज में है तो ईएमएफ 2E, इंटरनल रेजिस्टेंस 2R, एक्सटर्नल 1 और करंट आपको IS है। जब पैरेलल में कनेक्टेड है तो आइडेंटिकल, जब पैरेलल होंगे आइडेंटिकल सेल तो E,
इंटरनल रेजिस्टेंस आर बाई टू, एक्सटर्नल वही है, पर कह रहे करंट दोनों में एग्जैक्टली सेम है, इक्वेट करके स्मॉल आर कैन बी कैलकुलेटेड। ठीक है यहां तक?